गाइस मेरे YouTube चैनल इट्स ऑल अबाउट बीइंग पैशनेट पे आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो 60 साल के ऊपर वाले लोगों में हर 10 जन में से 3 जनों में पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ घुटने के दर्द के बारे में, नी आर्थराइटिस के बारे में। तो आज हम मिलने वाले हैं डॉक्टर आकाश सराओगी से, जिनको हमारे चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीस जी के तरफ से एमएस ऑर्थो में गोल्ड मेडल मिला है। इतना ही नहीं, इन्हें रॉयल कॉलेज ऑफ इंग्लैंड के तरफ से भी एफआरसीएस में गोल्ड मेडल मिला है। और सबसे हाइलाइटिंग बात तो ये है कि ये भारत के सबसे पहले और दुनिया के सबसे यंगेस्ट सर्जन हैं जिनको जॉन चार्ली गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है इंग्लैंड द्वारा। चलिए चलते हैं सराओगी हेल्थ केयर में, जो कि मुंबई के मलाड एरिया में बेस्ड है। हेलो डॉक्टर आकाश। हेलो डॉक्टर ऋषिका, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। इट्स आवर प्लेजर। सो डॉक्टर, हमारे दिमाग में आपके लिए सबसे पहला सवाल ये है कि घुटने का जो नॉर्मल एजिंग प्रोसेस की वजह से जो घस जाना है और नी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, क्या ये दोनों सेम है? ये सवाल कईयों के दिमाग में है, तो आप प्लीज हमें इसे ठीक से समझाइए। जिस तरह हमारी उम्र बढ़ती है, उसी तरह हमारी कार्टिलेज की उम्र भी बढ़ती है। ऑब्वियसली उसके कारण कार्टिलेज थोड़ा वीक हो जाता है, जिसे हम एजिंग बोलते हैं कार्टिलेज की। पर ऑस्टियोआर्थराइटिस इससे एक स्टेप आगे है। मैं एक बोन मॉडल के जरिए आपको समझाता हूँ। ये बोन मॉडल में जो नीला वाला हिस्सा दिख रहा है वो हमारी कार्टिलेज है। उम्र के साथ ये जो कार्टिलेज है वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में इस कार्टिलेज में और आजू बाजू वाले कैप्सूल में सूजन आ जाती है, जिसके कारण ये कार्टिलेज पतली होती जाती है। जो अंदर की जो बोन है वो ग्रेजुअली एक्सपोज हो जाती है एंड वो दोनों हड्डी ऊपर नीचे एक दूसरे से रब करने लगती है। अब ऑब्वियसली हड्डी अगर एक हड्डी पे घसेगी तो पेशेंट को पेन होता है, इसे ही हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ओके डॉक्टर, तो डॉक्टर ने हमें बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझाया है ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। तो डॉक्टर, हमारा अगला सवाल आपसे ये है, हमारे रेगुलर डे टू डे जो एक्टिविटीज़ है, यानी हमारा चलना, हमारा दौड़ना और एक्सरसाइजेस करना, क्या ये घुटने का घसना इससे बढ़ नहीं जाता? दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। हमारे जितने घुटनों के आजू बाजू की एक्टिविटीज़ है उसका मैक्सिमम प्रेशर हमारे मसल्स पे आता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जब हमारे मसल्स, हमारे बोन्स वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होते, वो पूरा लोड जो है कार्टिलेज पे आता है एंड वो कार्टिलेज घसती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हम वो मसल्स को और भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा लेते हैं एंड घुटनों के कार्टिलेज का प्रेशर कम कर देते हैं। इनफैक्ट इट विल बी बेटर टू से कि एक्सरसाइज करने से कार्टिलेज का घसना अपन कम कर सकते हैं। तो गाइस, ये पॉइंट नोट कर लो कि एक्सरसाइज करने से आप आर्थराइटिस से बच सकते हैं। तो अब इस पे से आते हैं हम अगले सवाल पे, जो कि ये है कि आजकल सब लोग वॉकिंग ट्रैकर्स और अपने स्टेप काउंट वो करना चाहते हैं, और उन वो सबको लगता है कि 10,000 उनका आइडियल है, उनका डेली टारगेट है। तो डॉक्टर, आपकी क्या राय है इस पे? 2008 में एक स्टडी हुई थी जिसमें बोला गया था अमेरिका में कि 10,000 कदम रोज चलो तो सबसे बेस्ट है आपके हेल्थ के लिए। 2014 में एक दूसरी स्टडी हुई जिसमें ये बताया गया कि हर एक की बॉडी अलग होती है, हर एक के घुटने अलग होते हैं, तो कोई एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं है जो आपके घुटनों को अच्छे हेल्थ में रखेंगे। मैक्सिमम पेशेंट्स को मेरा ये सजेशन रहता है कि आपने रोज आधा घंटा चलना है आपके नॉर्मल स्पीड पे, और एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे चलना है। तो गाइस, ये रिकमेंडेशन को आप नोट कर लें, आप लोगों को या तो रोज या तो एवरी अल्टरनेट डे आधा घंटा चलना चाहिए। डॉक्टर, मान लीजिए मेरा वजन ज्यादा है, तब क्या मेरे घुटने पे भार नहीं पड़ेगा जब मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ? वजन ज्यादा हो या कम हो, एक्सरसाइज इज ओनली गोइंग टू हेल्प। आपका जो वजन है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि बॉडी में चर्बी कितनी है, फैट परसेंटेज कितना है। अगर वो हम कम करते हैं तो आपके घुटने के सिम्टम्स ऑटोमेटिकली कम होने लग जाते हैं। अच्छा, तो अगर मेरा आर्थराइटिस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, तब क्या मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? घुटने का आर्थराइटिस बढ़ गया है उसका मतलब ये है कि आपकी गद्दी बहुत पतली हो गई है, बहुत खराब हो गई है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आपकी मसल्स भी उतने खराब हो गए हैं। सो आई थिंक इरेस्पेक्टिव कि आपका आर्थराइटिस कितना भी खराब क्यों ना हो, आपको अपनी मसल्स को जो है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। ओके, तो गाइस ये पॉइंट नोट कर लो कि मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। तो आपको अगर आर्थराइटिस है या नहीं है,
तब किसी भी सिचुएशन में आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। कई लोगों का कहना है कि जब वो नी का दर्द लेके यानी घुटने का दर्द लेके डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर्स उन्हें सर्जरी रिकमेंड करते हैं और सर्जरी से तो सभी को डर लगता है, तो क्या इस नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के कोई अल्टरनेट ट्रीटमेंट या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट नहीं है? जो घुटने की गद्दी एक बार घस गई एटलीस्ट आज के टाइम पे उसको वापस उगाना प्रैक्टिकल नहीं है। आज से कुछ समय बाद 6 करोड़ हिंदुस्तानियों को जो है नी आर्थराइटिस होने वाला है, तो क्या हम सबको नी रिप्लेसमेंट एडवाइस कर देंगे? द आंसर इज ऑब्वियसली नो। जिस पर्सन में घुटने के सिम्टम्स बहुत ज्यादा है, उनका आर्थराइटिस बहुत खराब हो चुका है एंड उनकी रोजमर्रा की जिंदगी डे टू डे एक्टिविटीज अफेक्ट हो जाना, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो जाना, जब ऐसी स्थिति आती है तब हम उसको रिकमेंड करते हैं कि आपको घुटना बंदी कराना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि आपको एटलीस्ट जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए, ना कि इस बात से घबराना चाहिए कि घुटने का दर्द है तो अब डॉक्टर सर्जरी ही बोलने वाले हैं। तो डॉक्टर, कई लोगों के दिमाग में ये डाउट है कि जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती है ये कितनी सक्सेसफुल है या नहीं है। ऋषिका जी, 1960 में पहली जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की गई थी इंग्लैंड में, 50 साल बाद भी वो जॉइंट अच्छे से काम कर रहा है। कुछ पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जिनकी आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उनको पेन उतना ज़्यादा नहीं होता। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनमें पेन बहुत ज़्यादा है लेकिन आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये दोनों ही केस में हम सर्जरी नहीं एडवाइस करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट एक सही पेशेंट में, सही स्टेज ऑफ आर्थराइटिस में अगर सही सर्जरी कर दी जाए तो उसको जॉइंट रिप्लेसमेंट का डेफिनेटली फायदा होगा। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि व्हेन डन फॉर द राइट पेशेंट द सर्जरी इज डेफिनेटली अ सक्सेस। कई लोगों का ये डर है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करने के बाद अगर वो फेल हो गए तो। नाउ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैक्सिमम नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज फेल नहीं होती है, लेकिन फिर भी 5% लोग हैं जो ये सर्जरी कराने के बाद में खुश नहीं है। अभी तक इंडिया में ये सर्जरी अगर फेल हो जाए तो उसको ठीक कैसे करना है इस चीज़ का कोई उपचार नहीं था। मेरी इंग्लैंड जाके ट्रेनिंग करने का मेन रीज़न यही था, जो मैंने 3 साल प्रोफेसर पीटर के अंदर ट्रेनिंग की वो इसीलिए की ताकि मुझे ये टेक्नोलॉजी और ये सर्जरी मैं इंडिया ला सकूं जहाँ पे फेल हुई हुई नी रिप्लेसमेंट को भी सुधारा जा सके। तो गाइज, इसका मतलब ये है कि अब इंडिया में फेल हुई हुई नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज का भी उपचार होता है। तो डॉक्टर, अगर मेरी आर्थराइटिस बहुत बढ़ गई है मगर सर्जरी से घबराहट की वजह से अगर मैं ये सर्जरी ना करवाऊँ तो क्या होगा? नी रिप्लेसमेंट आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए कराते हैं, इसमें कोई लाइफ और डेथ वाली बात तो नहीं है। आप रिप्लेसमेंट नहीं भी कराओ तो अगर आप अपनी मसल्स नहीं यूज़ करते हैं, अपने डेली एक्टिविटीज नहीं करते हैं, तो हो सकता है वो मसल आगे जाके वीक हो जाए। अब एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि घुटना कितना भी खराब हो जाए नी रिप्लेसमेंट किया जा सकता है, पर अभी तक तो मसल रिप्लेसमेंट नाम की कोई सर्जरी तो है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी नी पेन बहुत बढ़ गई है यानी आर्थराइटिस बहुत बढ़ गई है तो आप सर्जरी को इतना पोस्टपोन ना करें कि आपकी डे टू डे एक्टिविटीज इससे हैम्पर होनी शुरू हो जाए। डॉक्टर, क्या सर्जरी के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है? सर्जरी सिर्फ एक शुरुआत है। आपका जिस दिन नी रिप्लेसमेंट हुआ है तो आपका जो टेढ़ा पैर था वो सीधा कर दिया गया, लेकिन अगले 6 से 12 हफ्ते में आपने अपनी मसल्स को डेवलप करनी है, एक्सरसाइज करनी है, रिहैबिलिटेशन करना है, तब जाके आपको इस सर्जरी का रिजल्ट मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि पोस्ट सर्जरी जो फिजियोथेरेपी आपको बोली जाती है, जो एक्सरसाइजेस आपको बोली जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। क्या हम सर्जरी के बाद में आलती पालती मान के बैठना, घुटने के बल बैठना और इंडियन टॉयलेट यूज करना, क्या ये सारी चीजें पॉसिबल है? नाउ दैट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसके लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आप सर्जरी के पहले इसमें से क्या क्या कर पा रहे थे। घुटना रिप्लेसमेंट होने के बाद में आपका नी कितना बेंड करेगा ये बहुत डिपेंड करता है कि बदली कराने से पहले वो कितना बेंड कर रहा था ऑलरेडी। कोई चीज कर पाना और क्या हमने कोई चीज करनी चाहिए, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैक्सिमम पेशेंट्स नी रिप्लेसमेंट के बाद में ये सारी चीजें कर पाते हैं, बट हमें याद रखना चाहिए कि अल्टीमेटली एक मेटल और प्लास्टिक हमने अंदर डाला है, तो उसे हम कैसे यूज करते हैं उस बेसिस पे पता चलेगा कि वो कितने साल चलेगा।
सो मैक्सिमम पेशेंट्स को हमारा ये रिकमेंडेशन है कि अगर कभी कभार आपको ये सारी एक्टिविटीज करनी पड़े तो आप बिल्कुल कीजिए, बट रोज रोज एक्सट्रीम एक्टिविटीज करना जो है वो अवॉइड कर लीजिए। ओके, थैंक यू डॉक्टर आकाश। तो दोस्तों, डॉक्टर आकाश ने हमें बहुत ही अच्छे से नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में जो भी हमारे दिमाग में सवाल थे वो सब के आंसर्स दिए हैं। तो एक बात तो तय है कि हर घुटने के पेन को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं लगती। तो आई होप आपका ये जो डर था दिमाग में ये अब जा चुका है, और अगली बार जब आपका घुटना दर्द करेगा तब आप डॉक्टर के पास बिना इस डर के जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर करें, ताकि आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज के बारे में जो जानकारी है, जो अवेयरनेस है, ये लोगों में फैला सकें। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।